लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भारत सरकार के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती हैं। अभी तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया था, साफ बोल दिया था कि तिरंगा नहीं उठाऊंगी, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिश की थी और एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दे दिया। महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने पार्टी नेताओं के अलावा समाज के अन्य तबकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद महबूबा ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो उन्होंने राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन किया और कहा कि जब नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे। माहौल खराब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहाँ लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान और चीन से बातचीत करने की पैरवी भी की। दरअसल पाकिस्तान को लेकर महबूबा का प्रेम पहली बार नहीं उमड़ा है, वो पहले भी कई मौकों पर इसकी पैरवी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब हम चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। मैं वही तो कह रही हूँ कि वाजपेयी जी की किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने कारगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप एक इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी, स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए यहाँ तक कह दिया कि आज बीजेपी का वक्त है, कल हमारा आएगा, इनका भी ट्रंप वाला हाल होगा। बॉर्डर के रास्ते खुलने चाहिए, जम्मू कश्मीर दोनों मुल्कों के बीच अमन का पुल बने, हमारा झंडा हमें वापस दो। और मुझे उम्मीद है जब जुल्म बढ़ता है तो आखिरकार मिट जाता है। आज इनका वक्त है, कल हम सबका वक्त आएगा, और उसके बाद वही होगा जो ट्रंप के साथ हुआ है कि बॉर्डर्स पे गोलीबारी नहीं, बॉर्डर्स पे रास्ते खोलो, हमारे मुल्क और दूसरे मुल्कों के बीच में अमन का पुल बने, दोस्ती का पुल बने। मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बायकॉट होता था, मगर मैं कहती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। तो ये है महबूबा मुफ्ती के जहरीले बयान जिनके जरिए वो जम्मू के युवाओं को भड़काना चाहती हैं। धारा 370 कश्मीर में दोबारा बहाल कराकर वही मंजर पैदा करना चाहती हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।